तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। आज तो देखिए एक हमारे कार्तिक भाई के घर पे आ चुका हूँ और उनके घर पे भी देखिए खूब शानदार वही मुर्गी है। कौन सा मुर्गी बोलते हैं? रैंडम रैंडम बोलते हैं, बैंडम। उनके एक मुर्गा और एक मुर्गी है, देखिए इन्होंने अंडे भी दे दिए लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं है। देखिए कितना छोटा सा है, कितना छोटा सा है लेकिन इन्होंने अंडे दे दिए। पैर में बहुत छोटा छोटा है, मुर्गी पैर दे, मुर्गी पैर दे। कितना छोटा सा है, ताला खोल के दिखाते हैं। अंडा साइज दे भी तरह ठीक पर बेचे। अंडे का साइज भी देखिएगा कितना छोटा छोटा है। अंडा नहीं है ना बाबा, ये देखिए कितना छोटा सा अंडा, एकदम उंगली से भी छोटा। इसका साइज भी बहुत छोटा है, ऐसा लग रहा है कि ये देखो उंगली डाला तो उंगली से भी छोटा है। ये ऐसा लग रहा है लबट का है और कॉकटेल का है, है ना? कबूतर का जितना है, ईमानदार से कहो तो कबूतर जितना बड़ा है ये। बाकी मोबाइल में पता नहीं चलता साइज छोटा, जैसे मुर्गी का साइज बहुत ही छोटा साइज, जीरो साइज। तो ये तीन चार अंडे दिए हैं अभी, है ना? और ये देखिए मुर्गी और इनका नेस्टिंग मटेरियल, वो देखिए एक अंडा उसमें भी पड़ा भी है। ये देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना छोटा सा है। तो अभी नीचे चलते, नीचे दिखाते हैं आप लोगों को बजीज और लबट। और ये देखिए इनके पास बजीज, शानदार कवरेज है यहाँ का। देखिए जैसे कि इन्होंने फिर से ऊंचा भी कर दिया बहुत ज़्यादा, पहले इसका इतना सा था छोटा सा, और थोड़ा बड़ा भी बना दिया सेटअप को। जैसा बढ़िया होता है कि बजीज का जो सेटअप है वो देख पाते। पहले मैंने भी छोटा सा केज से शुरू किया था, उसके बाद बड़ा बनाया और ये मेरे से ही लेके आए थे इन्होंने। आप लोगों ने देखा होगा सेटअप का वीडियो। देखिए कितना शानदार शानदार कलर है इनके पास भी, ये सारे मेरे पास थे। तो यही है भी इनके सेटअप के अंदर भी दिखाएंगे आप लोगों को। बजीज के भी है, इनके लबट के भी हैं, इनके शायद फिंच भी है, फिंच भी है ना, फिंच शायद बेच दिए हैं। तो अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाएंगे इन लोग का प्रोग्रेस वगैरह, जैसे बच्चे भी हुए हैं। तो एक जो ब्रीडर होते हैं उनका यही होता है कि अंडे बच्चे हो खूब और आगे बढ़े। तो मैंने इनको पास चार पेयर दिया था और चार पेयर से इतने हुए हैं और बीच में अभी 10,000 का माल इसमें इन्होंने बेच भी दिया है, हालांकि मेरे सामने और हमारे यहाँ पे बिलासपुर बाज़ार में लेके गए थे वो लोग बाज़ार से। बहुत बढ़िया है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को दिखाते हैं इनका प्रोग्रेस आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम अंदर सो आ चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं लबट का बेबी। देखिए लबट का सेटअप से आप लोगों को दिखाना शुरू करते हैं। इनका प्रोग्रेस तो बढ़िया आ रहा है लबट का। ये देखिए, वो देखिए बच्चे हैं, शायद दो या तीन बच्चे हैं, दो बच्चे, तीन बच्चे हैं ना। एक मिनट खोल के आप लोगों को दिखाते हैं, तीन बच्चे हैं। ये देखिए शानदार, ये देखिए शानदार, तीन बच्चे और तीनों के हेल्थ भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही शानदार कलर भी है इनका, बहुत ही हेल्थ भी बढ़िया है, देख पा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं बजीज का, बजीज का भी दिखाते हैं, देखते हैं कैसा बजीज का है। बजीज का मटकी तो एक तरफ से है, बहुत सारे हैं, ये देखिए सारे बजीज ही बजीज है। एक तरफ से आप लोगों को चेक करवा के दिखाते हैं कैसे कैसे इन लोगों का प्रोग्रेस चल रहा है। पहले मटकी में देख सकते हैं आप एक बच्चे और दो अंडे, इसमें खाली है, ये भी खाली है, ये खाली है, इनमें अंडे हैं, बच्चे हैं। शानदार कलर है, शानदार जबरदस्त प्रोग्रेस इनके पास। ये है देखिए पांच बच्चे, छह बच्चे, वाह। ये देखिए छह बच्चे हैं और बहुत ही शानदार जबरदस्त बच्चे हैं, छह छह बच्चे पाल रखे हैं इन्होंने। और इसके बाद इधर आएंगे तो इधर भी है लगभग चार बच्चे और एक अंडा, अंडा खराब है। इधर आएंगे तो ये बैठे हुए हैं रड़ाई में। इसके बाद इधर आएंगे तो इधर भी है तीन अंडे और तीन बच्चे, बहुत शानदार। उसके बाद ये देखिए सारे के सारे जबरदस्त। उसके बाद इधर आएंगे तो ये है कुछ अंडे लेके बैठे हुए,
उसके बाद इस मटके में देखेंगे खाली है, और इसके बाद लास्ट बचे हैं इसमें देखिए पांच बच्चे हैं इसमें और एक अंडे हैं। इसके बाद नर जो है ये आ गया है, इसके साथ ये है उसका मेल फीमेल, ये वाइट वाला इस अंडे का रडाई में बहुत शानदार है, जबरदस्त इनका सिस्टम ब्रीडिंग पेयर। इसमें रडाई का भी बच्चे हुए हैं वाइट, तो वीडियो यहीं तक ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।